नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। कपिल शर्मा शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन में एक मजेदार घटना हुई, जब नवजोत सिंह सिद्धू को 5 साल बाद जज की कुर्सी पर बैठे देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सिद्धू और उनकी पत्नी गीता बसर, क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी के साथ गेस्ट के तौर पर पहुंचे। सिद्धू को देखकर कपिल शर्मा भी चौंक गए, लेकिन बाद में पता चला कि वे असल में गेस्ट हैं, ना कि अस्थाई जज। इस मौके पर सुनील ग्रोवर ने भी सिद्धू की मिमिक्री की, जिससे सेट पर मस्ती का माहौल बन गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच संजय बांगर के बेटे आर्यन ने हाल ही में अपने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा को सार्वजनिक किया है। उन्होंने 10 महीनों में हार्मोनल उपचार और सर्जरी के जरिए लड़के से लड़की में परिवर्तन किया और अपना नाम अनाया रखा है। पॉपुलर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ अपने सोशल मीडिया वीडियो और परफॉर्मेंस के लिए सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में वो अबू धाबी में पहुंचे, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी स्टारर फिल्म खुदा गवाह का लोकप्रिय गाना तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल नए म्यूजिक के साथ गाया। उनका प्रदर्शन दर्शकों को खूब भाया और थिएटर में उत्साह का माहौल था। इससे पहले दिलजीत जयपुर में भारतीय संस्कृति और पगड़ी की अहमियत पर जोर देते नजर आए थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना, जो 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। वे 13 मई 2025 तक सीजीआई पद पर रहेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और उनके सांसद पति राघव चड्ढा 10 नवंबर को वाराणसी के दशाश्व मेघ घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। दोनों पारंपरिक कपड़ों में आस्था के साथ आरती में भाग लेते नजर आए। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी साथ थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने कहा है कि रेवन्ना प्रभावशाली व्यक्ति हैं और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से मना कर दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रूप से जुड़कर पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से चर्चा करेंगे। रायपुर में राज्य स्तरीय आयोजन होगा, जिसमें 18 राज्यों के 22 आदिवासी नृत्य दल भाग लेंगे। भारत ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम भेजने से मना कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मच गया है। पाकिस्तान ने भी भारत से मैच खेलने के लिए कड़ा जवाब देने की धमकी दी है और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना और उनके पार्टी नेताओं के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की योजना बना रही है, ताकि हसीना को गिरफ्तार किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को एक डिमांडिंग बॉस बताया है, जिनके साथ काम करने के लिए पूरी तैयारी जरूरी है। उन्होंने मोदी की कार्यशैली को सराहा, खासकर यूक्रेन संकट के दौरान उनके निर्णय और विदेश नीति में उनके स्वाभाविक नेतृत्व की तारीफ की। 1970 के दशक में एडिडास का दबदबा था, लेकिन माइकल जॉर्डन को लेकर एडिडास की गलती ने उसे वर्चस्व खोने पर मजबूर किया। जॉर्डन ने नाइकी से बड़ा डील किया और एयर जॉर्डन ब्रांड ने नाइकी को बास्केटबॉल स्नीकर मार्केट में सिरमौर बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वड़ताल स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के 200वें स्थापना दिवस समारोह में वर्चुअली भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्ति, समाज सेवा और भारतीय संस्कृति के प्रसार पर जोर दिया। मोदी ने विकास के लिए युवाओं को सशक्त बनाने और देश को एकजुट रखने का संकल्प लिया। दिवाली पर पटाखों के उपयोग से प्रदूषण बढ़े, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को प्रतिबंध लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने और 25 नवंबर तक निर्णय देने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की जाति आधारित राजनीति की निंदा करते हुए देशवासियों से एकता की अपील की। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए समाज को ना बांटने की जरूरत है। मारुति सुजुकी ने नई डिजायर लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत 6.79 लाख रुपए के आसपास में है। पेट्रोल वेरिएंट में उपलब्ध इस कार में 1.2 लीटर इंजन, 24.79 किलोमीटर पर माइलेज और 5-स्टार एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग है। सीएनजी वेरिएंट भी जल्द लॉन्च होगा।
एलन मस्क की कंपनी XAI भारत से बाइलिंगुअल ट्यूटर्स की भर्ती कर रही है। इन ट्यूटर्स को हिंदी और अंग्रेजी में काम करने के लिए हर घंटे 5,500 रुपए यानी कि 35 से 65 डॉलर रुपए मिलेंगे। काम में AI डेटा तैयार करना और भाषा सीखने में मदद शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी नारायण मंदिर वड़ताल की 200वीं वर्षगांठ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबोधित करते हुए समाज को जाति धर्म और अन्य आधारों पर बांटने की साजिश के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने एकता शिक्षा और संतों के योगदान की अहमियत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण को लेकर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सख्त उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया और सवाल किया कि 14 साल बाद भी क्यों कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। ऋषभ पंत की वनडे में निराशाजनक प्रदर्शन और संजू सैमसन की शानदार वापसी के बाद टीम मैनेजमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पंत की जगह सैमसन को प्राथमिकता दे सकता है। सैमसन का पिछले 2 सालों में वनडे में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने विराट कोहली के खराब टेस्ट फॉर्म पर चिंता जताई है, लेकिन भारतीय कोच गौतम गंभीर ने पोंटिंग की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय क्रिकेट के बजाय ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। गंभीर ने विराट और रोहित के जुनून को भी सराहा। व्हाट्सएप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.24.24.5 में यूजर्स को ग्रीन स्क्रीन और फोन फ्रिज होने की समस्या का सामना हो रहा है। इस समस्या को ठीक करने के लिए स्टेबल वर्जन पर शिफ्ट होना या कंपनी के अगले अपडेट का इंतजार करना पड़ सकता है। केरल के कोची में पहली बार सी प्लेन उतारा गया जो हवा और पानी दोनों में उड़ सकता है। स्पाइसजेट 2025 से भारत के 20 रूट्स पर सी प्लेन सेवा शुरू करेगी। ये सेवा रियायती किराए पर होगी जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु में एक डॉक्टर को फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम का शिकार होना पड़ा। यूट्यूब ऐड पर क्लिक करने के बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया था जहां उन्हें स्टॉक ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफा का लालच दिया गया था। 3 हफ्ते में डॉक्टर ने करीब 76.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन बाद में फ्रॉड का पता चला। भारत में बजट फ्रेंडली बाइक्स की मांग बढ़ी और 1 लाख रुपए के बजट में कुछ शानदार विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें होंडा साइन 55 KMPL के साथ हीरो स्प्लेंडर 60 KMPL, TVS स्पोर्ट 80 KMPL और बजाज प्लेटिना 72 KMPL शामिल है। ये बाइक्स किफायती हैं और अच्छे माइलेज के साथ आते हैं। 2008 की हिट फिल्म सिंह इज किंग का सीक्वल बन रहा है जिसे 2025 तक रिलीज किया जाएगा। रणवीर सिंह और दिलजीत दोसांझ लीड रोल के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं। फिल्म का टाइटल सिंह इज किंग 2 या सिंह इज किंग रिटर्न्स हो सकता है। प्रियदर्शन और अनीस बज़मी डायरेक्शन के लिए विचाराधीन है। गलत खान पान और खराब लाइफ स्टाइल से एसिडिटी बढ़ सकती है। एसिडिटी को नियंत्रित करने के लिए तला भुना और मसालेदार खाना ना खाएं। पर्याप्त पानी पिए, हेल्दी डाइट लें, रोजाना एक्सरसाइज करें और खाने को अच्छे से चबाकर खाएं। इन उपायों से पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा और एसिडिटी की समस्या कम होगी। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL ने माइनिंग मेट सी ब्लास्टर बी और वाइडिंग ड्राइवर के 82 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों के पास संबंधित योग्यता होनी चाहिए और आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। चयन लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू से होगी। सैलरी 29,190 से लेकर 45,480 रुपये प्रतिमाह होगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने 240 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 29 नवंबर 2024 है। डिप्लोमा टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए वेतन क्रमशः 10,500 और 11,500 रुपये प्रतिमाह है। चयन अंकों के आधार पर होगा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम 22 से 23 नवंबर को घोषित होने की उम्मीद है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट 11 से 14 और 18 से 19 नवंबर को पटना एम्स में होगा। रिजल्ट बिहार PSC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और औपचारिकताओं के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। गुजरात सरकार ने दुकानदारों को सामान वापस लेने से मना करने पर सख्त निर्देश दिए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अगर सामान डिफेक्टिव हो या कंज्यूमर की जरूरत के मुताबिक ना हो तो उसे वापस करने का अधिकार है। दुकानदार की अस्वीकृति पर कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है।
आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है अंजलि, प्रमीला कुमारी, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडे, सागर राज, नौसाद राजा, पवन कुमार, रविशंकर शाह, राजकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, दिलखुश, अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों में आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।